कटाई और बंधाई दोनों काम करने वाली मशीन। एक सीजन भी उन्होंने ये मशीन चला ली ना तो उसकी कीमत भी निकाल लेंगे और लाख दो लाख रुपया कमा भी लेंगे, जेब में भी आ जाएगा। तो सब्सिडी के लिए पात्र है हमारी मशीन, सब जगहों पे कोई प्रॉब्लम छूट मिलेगी, जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है वो किसान भाई को मिलेगी। वो प्रोसेस क्या है वो सब स्टेट की अलग अलग, किसान भाई अपने इसके अंदर जो गियर है इसके अंदर जितने भी गियर है उन सब गियर्स की 6 महीने की वारंटी दे रहे हैं। 35-40 HP का ट्रैक्टर चला सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पावर स्टीयरिंग तो होना चाहिए। पावर स्टीयरिंग इसलिए होना चाहिए कि जब आप चला रहे हैं तो ना मोड़ने में दिक्कत नहीं हो, तकलीफ आई कुछ तो भी ऐसा हो गया अनवांटेड जो नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा कि ये बेल्ट स्लिप कर जाएगी और ये बेल्ट स्लिप कर जाएगी तो मशीन रुक जाएगी। फैक्ट्री में दिखा रहा हूँ कटाई और बंधाई दोनों काम करने वाली मशीन। ऐसा आपने आज से पहले सुना होगा, कुछ जगह देखा भी होगा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ फार्मर फर्स्ट चॉइस, यानी कि किसानों की पहली पसंद। कटाई भी करेगी बंधाई भी करेगी, एक ऐसी मशीन दिखाऊंगा। कंपनी बहुत बड़ी है, उसके मालिक हमारे साथ हैं। भानु प्रताप जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार सर, आप हमारे दर्शकों को मैंने यू बात बता दी, कटाई और बंधाई दोनों ही। अभी बताओ कि इसमें कुछ विदेशी पार्ट भी लगा हुआ है मजबूती के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। इस वीडियो में वही चीज बताने वाला हूँ, क्योंकि क्या है रीपर बाइंडर तो बहुत सारी कंपनियों के आते हैं और सभी लोग, जो भी आदमी रीपर बाइंडर लिख रहा है इसका मतलब वो रीपर बाइंडर के बारे में जानता है और वो रीपर बाइंडर में आने वाली समस्याओं के बारे में भी जानता है ना। अब वो मशीन को खरीदना चाहते हैं या देखना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, कुछ भी बात है तो वो मैं आपको इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि इसका जो मेन पार्ट है ना, इसका जो मोटर है ना, इसका ये जो मोटर है जिसको बोलते हैं जो रस्सी को बांधता है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी से गांठ बनती है और यही काम करता है गांठ बांधने का। तो ये जो है हमने इम्पोर्टेड विदेशी कंपनियों का लगाया हुआ है, जो कि जिनको महारत हासिल है हर तरीके के नोटर्स बनाने के, एक्सपर्ट हैं। वो रीपर बाइंडर के नोटर बनाते हैं, आप राउंड बेलर देख रहे हैं उनमें भी नोटर आते हैं, क्योंकि वो बेल बनती है ना तो उसमें रस्सी बांध के वो निकालता है, गोल गोल बंडल बाहर निकलता है, या स्क्वेयर बेलर है उनमें भी नोटर्स होते हैं। तो ये ना हमने एक ऐसी अच्छी कंपनियों के नोटर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं जिससे ये तकलीफ इसमें ना हो। बाकी रीपर का कॉन्सेप्ट वो सिंपल ही है सर, जैसा पहले से होता है और होता आया है उसी तरीके का रीपर है। उसी तरीके कितनी बेल्ट वाला रीपर है? ये 3 बेल्ट वाला रीपर है। अच्छा, 3 बेल्ट वाला रीपर है। आप देखो बढ़िया क्वालिटी के हमने 3 प्लाई का बेल्ट इसमें लगाया हुआ है ना, अच्छी क्वालिटी के बेयरिंग्स लगाए हुए हैं, हैवी ड्यूटी चेन यहाँ पर है। अच्छा। उसके अलावा यहाँ पे ना ये बेल्ट वाला एक चीज हमने अलग किया है आपको, चेन यहाँ पे बेल्ट का क्यों लगाई है वो मैं आपको बताता हूँ, ब्रेक डाउन। कई बार क्या होता है सर कि वहां पर मान लीजिए कुछ फंस गया या कुछ तकलीफ आई, कुछ तो भी ऐसा हो गया अनवांटेड जो नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा कि ये बेल्ट स्लिप कर जाएगी और ये बेल्ट स्लिप कर जाएगी तो मशीन रुक जाएगी। अच्छा, मतलब पता चल जाएगा सामान नहीं टूटने का, कुछ सामान नहीं टूटेगा। पहले हम लोग भी यहाँ पे चेन लगाते थे पर हमने इस बार इसको बेल्ट में चालू किया है, तो ये बेल्ट यहाँ पर हम लगा के दे रहे हैं जिससे कोई तकलीफ इस तरीके की ना आए। बाकी ये वाला जो गियरबॉक्स है ना, इसकी हम 6 मंथ की वारंटी दे रहे हैं आपको, और इसके अंदर जो गियर गियर है गियर है इसके अंदर जितने भी गियर है उन सब गियर्स की 6 महीने की वारंटी दे रहे हैं। और ये नोटर जो है इसकी कोई भी नहीं देता है, मैं आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसकी वारंटी कोई नहीं देता है अगर ये काम करना बंद कर देता है, बशर्ते बिना ग्रीस के चलाया हुआ ना हो, क्योंकि बिना ग्रीस के चलाया हुआ पता चलेगा ना, पता चलेगा कि वो घिस गया है सारा। अगर बिना इसमें जो चाकू है ना वो तो खराब होता रहता है, उसकी तो वारंटी नहीं होती, पर बाकी कोई पार्ट जो भी है उसकी भी हम 6 मंथ की वारंटी दे रहे हैं। अगर वो पार्ट खराब होता है तो हम आपको बदल के उसको देंगे प्रॉपरली, ताकि आप उसको आराम से काम करें। इस पार्ट की कोई वारंटी नहीं देती कंपनी, हम इस पार्ट की वारंटी दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि ये बढ़िया है, एक्सपर्ट का। अच्छा, ये वीडियो जो है सरकार छूट देगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी मशीन जो है वो FMTTI टेस्टेड है, हमने सभी स्टेट्स में लगभग UP बिहार महाराष्ट्र MP सब जगह पे रजिस्टर किया हुआ है, जहाँ जहाँ पर भी गेहूं की फसल होती है, और जिस स्टेट में नहीं है नहीं रजिस्टर्ड हुआ है वहाँ पे भी बंदे हमारे काम कर रहे हैं और वो जल्दी हो जाएगा। तो सब्सिडी के लिए पात्र है हमारी मशीन, सब जगहों पे कोई प्रॉब्लम छूट मिलेगी, जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है वो किसान भाई को मिलेगी। वो प्रोसेस क्या है वो सब स्टेट की अलग अलग, किसान भाई अपने वो डीलर से बात करनी चाहिए। इस मशीन की जो अगर इसकी बात करें कमाई की, कमाई का मतलब कवर एरिया बचत, इससे कितना पैसा किसान कमा सकते हैं अगर किराए पे चलाएं? सर मुझे लगता है बल्कि मैं कई किसान भाइयों से मिला हूं कि अगर
एक सीजन भी उन्होंने ये मशीन चला ली ना, तो इसकी कीमत भी निकाल लेंगे और लाख दो लाख रुपया कमा भी लेंगे, जेब में भी आ जाएगा। दूसरे सीजन गए तो फिर तो फ्री का ही काम है। अच्छा, तो आप आसानी से चला सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। कीमत कम है क्या मामला? नहीं, कीमत कम नहीं है, कीमत जो नॉर्मली होनी चाहिए वही है। लगभग ये मशीन एक किसान को आज की तारीख में 270,000-280,000 तक उसके घर में पड़ जाती है लगा के फिट करके, है ना। तो ये जो मशीन है, मतलब इसको आप क्योंकि गेहूँ काटते समय कटाई और बंधाई की ना जरूरत बहुत है, आपको कस्टमर बहुत मिलेंगे, रकबा बहुत मिलेगा काम करने के लिए, है ना। क्योंकि फील्ड बहुत है, सब लोग चाहते हैं कि कटाई करके बंडल बंद के मिल जाए तो बाद में थ्रेशिंग हम कर लेंगे। कई लोग हार्वेस्टर से करते हैं, पर जैसे ऐसा भी होता है ना कि जैसे आपके पास 100 बीघा जमीन है, तो चलो ठीक है, आपने कहा यार एक काम करते हैं 80 बीघा हार्वेस्टर से काट लेते, पर वापस बोने के लिए या भूसा बनाने के लिए 20 बीघा तो हम हाथ से कटवा लेते हैं। अब हाथ से वो 20 बीघा कटाने के लिए भी मजदूर नहीं मिलते, तो उस समय पे ऐसी मशीनें बहुत काम में आती हैं। कुल मिला के ये जमीन से मिला करके और फ्रेश साफ सफाई के साथ में गेहूं की कटाई करेगी। इस मशीन का जो वेट है, कुछ आइडिया कि भाई से इतने एचपी का ट्रैक्टर लगना इसमें जरूरी है? ये ना सर, कोई भी 35-40 एचपी का ट्रैक्टर चला सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पावर स्टीयरिंग तो होना चाहिए। पावर स्टीयरिंग इसलिए होना चाहिए कि जब आप चला रहे हैं तो ना मोड़ने में दिक्कत नहीं हो। सादा स्टीयरिंग भी आप मोड़ सकते हैं तो चला ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो तो किसानों के ऊपर डिपेंड। अच्छा, एक बात हो तो ये ट्रैक्टर के फ्रंट में लगेगी या पिछले हिस्से में लगेगी? ये मशीन आगे लगेगी, हालांकि पीछे चलने वाली मशीन ऐसी हम बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा। है पर क्या है ना कि पीछे आदमी कितनी देर तक चलाएगा, गर्दन दुखने लगे। पीछे चलाने वाली मशीनें हमारे पास होती हैं मक्का वक्का काटने के लिए, क्योंकि वो डेरी वेरी में उनको घंटा चलाना है, आधा घंटा चलाना है, एक घंटा चलाना है। तो देखो, कम चलाना है तो पीछे चलने वाली से, पर इसको तो दिन भर चलाना है आपको, तो ये आगे वाली ही होती है। हाँ, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि हम लोग इसमें आने वाले समय में इतने सारे चेंजेस लाने वाले हैं कि मजा आ जाएगा, मतलब ये मशीन। अच्छा। में और भी बहुत सारे अपडेट हम लोग इसमें लाने, पूरी 100 साल आगे ले जाओगे। आगे, बिल्कुल आगे। तो भाई कुल मिला के बात ये है कि आपको आज की ये रिपर बाइंडिंग मशीन मैंने दिखाई, भानु प्रताप जी से मिलवाया, बहुत बड़ा प्लांट है इनका, आप आओ। और अच्छा, एक बात बताओ, ये घर भी जा सकती है अगर कोई किसान? ये कहीं पे भी जा सकती है, कहीं पे भी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। मतलब ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहीं पे भी जा सकती है। हम लोग ज्यादातर डीलर्स के थ्रू बेचने में इंटरेस्टेड है। अच्छा, इसकी कीमत की बात करें, मैं बोला ना ये लगभग 260,000-270,000 तक किसान को, 260,000-270,000 पैसे भी बढ़िया कमाएगी आराम से। कुल मिला के बात ये है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जो बताना, आपसे रिक्वेस्ट है। और आपको इसका कलर कैसा लगा? मुझे तो इसका कलर बहुत अच्छा लगा। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।